तो दोस्तों फिर से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। ये एक्सीडेंट देख रहे हैं, ये बेसिकली एक्सीडेंट हुआ है मेरठ का है। ये महिंद्रा 265 DI और होंडा की MH कार है, दोनों में बहुत काफ़ी भीषण टक्कर हुआ। बिकॉज क्या है कि ये जो ट्रैक्टर है ये यहीं पर खड़ी थी, इसका डीजल ख़त्म हो गया था, इस पर ड्राइवर और दो पर्सन और बैठे हुए थे, और ये पीछे से रॉन्ग साइड से होंडा MH आके इसमें पीछे से मार दिया। इसे दो एक पहिया तो होंडा MH के बगल में उधर पड़ा है, आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में, और दूसरा पहिया ये सब क्रैंक व्रैंक सब इसके टूट फूट के सब रोड पे ही मतलब फैल गया, देख सकते हैं वीडियो में। और ये जो कार है होंडा की MH है, DL नंबर कार थी, देखिए। और कार के बगल में इसका दूसरा पहिया पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कार DL नंबर DL10CH0981 है और इसका दूसरा पहिया यहाँ पड़ा हुआ है, ट्रैक्टर का दूसरा पहिया यहाँ पड़ा हुआ, बिल्कुल चैम्बर वम्बर इंजन ऑयल वगैरह सब मतलब लीक हो गया और कुछ ट्रैक्टर बचा ही नहीं। इसमें जो ड्राइवर हैं वो भी थोड़े से घवाइल हो गए थे, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पे लेटे हुए, ये इनके साथ दूध दूध कुछ ब्रेड वगैरह था, ये सब रोड पे गिर गया। और ये ड्राइवर हैं, देखिए बेचारे बैठे हुए हैं, इनके पैर में चोट आई हुई है, दर्द बहुत तेज़ था पैर में। और बेसिकली उन्होंने बताया कि जब हमारी ट्रैक्टर खड़ी थी तो हम डीजल लेके कोई लड़का आ रहा था कोई, तो डीजल ख़त्म हो गया, गाड़ी खड़ी थी, पीछे से होंडा MH ने इसको टक्कर मार दिया। होंडा MH की एक बात बताऊँ आपको, होंडा MH का कोई एयर बैग नहीं खुला है, इसके ड्राइवर को भी चोट लगी है, वो बेसिकली पीछे उधर अंदर कैफे में बैठाए गए हुए थे, छोटा सा होटल है वहाँ पे, ये देखिए वीडियो। और ये मेरठ से जो रुड़की को रास्ता जाता है, हरिद्वार रुड़की वाला रोड है उस पर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे वाले रोड से जब उतरते हैं और रुड़की वाले रोड पर जब चढ़ते हैं रुड़की और हरिद्वार जाने के लिए, उस वाले रोड पर एक्सीडेंट, ये भीषण एक्सीडेंट हुआ था आज मॉर्निंग में, सुबह सुबह करीब करीब ये एक्सीडेंट हुआ है आपको 9:35 के आसपास। और मैं वहाँ पर घटनास्थल पर मतलब विदिन आप मतलब 5 मिनट बाद ही वहाँ मौजूद हो गया था, और काफ़ी मतलब तगड़ा एक्सीडेंट था। देखिए ये सब ट्रैक्टर की सीट वीट यहाँ सब मतलब कितना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, आप देख सकते हैं कि खड़ी ट्रैक्टर में मारा है, ट्रैक्टर का एक पहिया तो वो गाड़ी अपने साथ लेके खड्डे में जंप मार गई, दूसरा पहिया यहाँ पे इसका सीट वीट सब टूट टाट के ब्रेड फ्रेड सब बेचारों का गिर गया, और बैटरी वैटरी सब निकल के बाहर वाहर आ गई, मतलब खड़ी गाड़ी में इतना तेज़ भीषण टक्कर होंडा MH ने मारा है। हालाँकि होंडा MH को भी आगे से बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची है आप देख सकते हैं, और ट्रैक्टर का तो मतलब बहुत बुरा कंडीशन कर दिया महिंद्रा 265 DI का, तो लग ही नहीं रहा था कि ये महिंद्रा के ट्रैक्टर है, और ये पॉसिबल ही नहीं लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। एक ट्रैक्टर जो कि खेत में चलने वाली मजबूत गाड़ियाँ होती है, हर पार्ट हर कंपोनेंट्स बढ़िया क्वालिटी के लोहे से बने होते हैं, उसका ये हाल कर दिया होंडा MH। होंडा MH का बेसिकली अगला हिस्सा इंजन वाला काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ, आपको दिखाता हूँ मैं आगे चल के, लेकिन होंडा MH का कोई एयर बैग नहीं खुला, ये बहुत दुख की बात है। और बंदा ठीक था, सेफ था, चोट तो लगी उसको भी तगड़ी, लेकिन बंदा सेफ था जो भी था, और गाड़ी मतलब एक्सीडेंट जब हुई उसके बाद गाड़ी खड्ढे में टर्न हो गई, देख सकते हैं ये इसका ट्रैक्टर का दूसरा पहिया, ये यहाँ आके गिरा हुआ है ट्रैक्टर का, ये दूसरा पहिया है, और ये होंडा MH की आगे का हिस्सा पूरा क्षतिग्रस्त है, कोई एयरबैग नहीं खुला इसका, और ये देखिए दूसरा पहिया इसका। बहुत सारे लोग बहुत मतलब आधे घंटे बाद तो वहाँ पर इतना तगड़ा मतलब जाम लग गया, पूछिए मत, काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई थी देखने के लिए लोग। ये देखिए ट्रैक्टर का पूरा एक हिस्सा इधर आ गया इस गाड़ी के साथ में, गाड़ी को एयरबैग नहीं खुला, गाड़ी में ड्राइवर सुरक्षित था लेकिन चोट उसको बहुत तेज़ लगी है, क्योंकि वो अंदर उधर एक छोटा सा चाय की टपरी जैसा था तो उसमें बैठा हुआ था। और गाड़ी का तो खैर इंश्योरेंस होगा तो क्लेम हो जाएगा अगर होगा तो, लेकिन ट्रैक्टर वाला बेचारा बहुत उदास था, उसका बहुत नुकसान हुआ, बोल भी रहा था कि हमारा तो बहुत नुकसान है, हमारा कोई इंश्योरेंस वोरेंस नहीं, पर ट्रैक्टर ये पुरानी है तो क्या इंश्योरेंस है। गाड़ी का एक ये लाइट टूट के यहाँ गिरा हुआ है फ्रंट वाला एक साइड का, दूसरा ये आपका देखिए इधर से साइड मिरर जो है वो टूट गया था, और इधर से आगे से थोड़ा सा ज़्यादा इधर मतलब जो भी है गाड़ी के आगे अगले हिस्से पे काफ़ी ज़्यादा जर्क आया है और डैमेज आया है, गाड़ी के आगे वाला कांच भी टूट गया है, और ये ट्रैक्टर का सीट वहाँ से उखड़ के यहाँ आ गया है, मतलब आप देख सकते हैं एक्सीडेंट का भयावह तस्वीर जब उस टाइम हुआ होगा तो। और ये देखिए बेसिकली ट्रैक्टर तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, ये समझो कि इसमें कुछ रह नहीं गया अब। और ये इधर से आते हैं मेरठ जाने के लिए रास्ता, ये मेरा चैनल नीरज दिल्ली है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।